दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिव्या हुनर इन विलेज में स्वागत है दोस्तों आप लोग कैसे हैं मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी आप लोग के दुआ से अच्छी हूँ तो दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत होती है सुबह से तो आज सावन का दूसरा सोमवार है तो सावन की दूसरे सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएँ आपको और आपके पूरे फैमिली को हमारे तरफ से की सुबह होते ही सारे लोग अपने अपने कामों में लग गए हैं तो यहाँ पे देखिए अमृता जो है अपना झाड़ू दे चुकी है तो चलिए मैं पीछे से दिखा देती हूँ आप भी देख सकते हैं पूरे घर में झाड़ू लग चुका है पूरा घर जो एकदम फ्रेश फ्रेश दिख रहा है और उसके बाद चलिए मैं दिखाती हूँ मम्मी क्या कर रही है मम्मी जो है गैया लगा रही इनका सुबर सुबर है इनका सुबह सुबह का काम यही रहता है गैया लगाना और अमृता गैया चारा पानी डाल चुकी है ये सब अपना खा हो रही हैं और इधर गोबर भी उठा ली थी कमरे में बोलती थी तब प्रीति जो है लेकर जा रही है खेत और खेत हमारा काफ़ी दूर है तो थोड़ा समय लगेगा आने में वापस तो वह चली जाती है और अमृता चली गई कूड़ा फेंकने के लिए और इधर मम्मी जो है अभी अपनी गैया लगा रही है और इन सब के नीचे भी अमृता साफ कर चुकी है यानी गोबर वोबर उठा ली है अभी झाड़ू नहीं लगाए लेकिन उसे छः बजे ही कोचिंग जाना है तो इसलिए वह अपना जल्दी जल्दी कर रही है और आज तो सारे लोग जो है है यानी चारों बहने वहाँ पे देखिए वो ब्रश व्रश भी अपना कार कर रही है क्योंकि उसका टाइम भी हो गया है जाने की दिखाती हूँ किचन में है कि मैं क्या तैयारी की अभी तो ज़्यादा कुछ नहीं किया बस जो है पतीली और ये कढ़ाई पे लेप लगाए और चूल्हे की लिपाई की हूँ बस उतना ही अभी की हूँ सब लोग भी देख सकते हैं अभी मम्मी जो है गैया लगा कर आएगी तो एक साइड चाय रखूँगी और दूसरी साइड चावल रखूँगी जो भी बनेगा हमारे घर वीडियो देखने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए होंगे गए और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मेरी गैया लगा आ चुकी है अब मेरी गैया जो है थोड़ा कम दूध देती है क्योंकि जो है ज़्यादा समय हो गया उसे बच्चा दिए हुए तो इसलिए कम भी देती है और आप लोग जान ही रहे हैं कि ज़्यादा कुछ पाती भी नहीं जैसे जो कर खुद ही सारे लोग पाते हैं लेकिन हमारी गई है नई पार्टी पैसे की वजह से नहीं आ पा रहा है बस यही भूसा और हरा चारा ही खाती है तो इधर अब मम्मी चली जाती है अपना दूध नापने उपने के लिए और मैं ना? लग जाती हूँ और जो है खाना बनाने के लिए क्योंकि समय ना? जो है ज़्यादा हो गया है तो देखिए मैं चूल्हे के पास चली जाती हूँ एक तरफ जो है चावल की पतीली रख दिया और दूसरी तरफ जो है चाय रख दिया आप लोग को पता ही है कि हमारे घर जो है सुबह सुबह सबको चाय ही चाहिए सबसे पहले तो मैं आज जो है चावल के पतीली में चावल नहीं बना रही हूँ आज जो है हमारे घर खिचड़ी बनेगा क्योंकि तीन ही लोग खाने वाले हैं तो मैंने सोचा खिचड़ी और भजिया रोटी बना देती हूँ तो वही आज मैं बनाने जा रही हूँ और ये जो है सरपुतिया और ये ननुआ रहता है तो उसी की सब्जी बना रही हूँ और दूसरी साइड दीदी चूल्हे के पास बैठी हुई आग जलाने के लिए क्योंकि आप लोग को पता ही है कि मुझसे आग जलते ही नहीं है जल्दी तो इसलिए मैं दीदी से यह आग हमेशा जलवाती हूँ तो वह उधर आग जला रही हैं और इधर मैं सब्ज़ी कट करने में लगी हुई हूँ उसके बाद बाहर आ जाते हैं हम तो यहाँ पे देखिए अमृता जो है नहा धो चुकी है तो अब ये चलती है पूजा करने के लिए ये लगी हुई है अपना पूजा करने के लिए और दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि आज हम चारों बहनें व्रत हैं सावन का दो सोमवार है तो इसलिए अमृता नहा धो चुकी है क्योंकि इसे सुबह ही स्कूल जाना रहता है और कोचिंग भी उसका जो है छः बजे से ही है तो इसलिए ये सबसे पहले रेडी हो चुकी है और प्रीति अभी जो है ना आ रही है उसके बाद वो जाएगी वह तो सात बजे जाती है लेकिन ये अमृता जो है छः बजे ही घर से निकल जाती है तो देखिए इसका टाइम हो गया अब अंदर जा रही पानी उनी पीने के लिए तो हम मीठा लाए थे ये दालपट्टी होता है जो मूँगफली का रहता है तो वही भैया रात में लाए थे तो हम रीता वही खा रही है और पानी पी लेती और फिर चली जाती है और आज तो हमारा चाय भी नहीं बनाया क्योंकि आग हमारा बीच में बुझ गया था तो इसलिए दोबारा से मैं जलाती हूँ और देखिए अब जो है थोड़ा थोड़ा जलना शुरू हुआ है हमारे साथ तो हमेशा यही होता है जिस दिन मैं सोचती हूँ जल्दी से खाना बन जाएगा सारे लोग खा होकर चले जाएंगे लेकिन उस दिन जो है हमेशा लेट ही होता है क्या दोस्तों आप लोग के भी साथ ऐसा होता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारे साथ तो अक्सर करके यही होता है उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रीति भी नहा धो चुकी है तो वह बालूम खंगी करती है उसके बाद वह जाएगी अमृता तो चली गई मीठा पानी फिर खाकर और ये मम्मी गई थी खेत वहाँ से लाई सबजी हैं ढेर सारी सब्जियाँ हाँ सब्जियों को देखकर मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि आप लोगों को पता है ये बाजार में कितनी ज़्यादा महंगी सब्जियाँ हो गई हैं और खेत की सब्जियाँ तो ताज़ी ताज़ी रहती हैं तो अच्छा लगता है देखने में इतनी ताज़ी सब्जियाँ तो बाजार में भी नहीं मिलती हैं कहीं भी आप लोग खोज लेंगे बड़ी मुश्किल से ही मिलती होंगी और उसके बाद मैं सब्जियाँ अंदर रख देती हूँ किचन में मम्मी वही सुबह सुबह खेत गई थी तो लेकर आई थी और फिर देखी यहाँ पे रेस्ट कर रही हैं और पापा भी दूध दे आ गए हैं चाहे हमारा बन गया तो मैं मम्मी को दे दी हूँ और फिर पापा को भी ला कर देती हूँ और आज जो है पापा को दूध का पैसा मिला है तो वही पापा लेकर आए और मम्मी को दे दिए तो मम्मी बहुत ज़्यादा ही खुश हो रही थी और फिर रखने जा रही थी तो पापा कह रहे थे गिन लो पहले कितना है तो फिर मम्मी गिनने लगती है और मम्मी जो है आज बहुत खुश होती हैं क्योंकि बड़े दिनों के बाद मम्मी के हाथों में पैसा मिला है इतना सारा और आप लोग जान ही रहे हैं कि पापा जो है दो तीन महीनों से घर पर बैठे हुए हैं उन्हें काम नहीं मिल रहा है तो इसलिए वह जा नहीं रहे हैं और पिछली बार का पैसा मिला था तो भैया जो है बाहर गए थे पीछे वाले आप लोग जानते हैं तभी जो है खर्च उर्च हो गए थे लेकिन इस बार का पैसा मिला तो मम्मी जो है ले ली थी और कह रही थी अब हम इसका कुछ लेंगे हमेशा कहते हैं छागल लेंगे वो लेंगे लेकिन हमेशा जो है पैसे घर पे ही ख़त्म हो जाते हैं मम्मी कुछ भी नहीं ले पाती हैं पैसा हाथ में आते देरी नहीं होता तब तक जो है ख़त्म हो जाता है ऐसे ही मम्मी के साथ भी हमेशा होता है मम्मी सोचती है कि कुछ ले लेंगे दूध के पैसे का लेकिन नहीं ले पाती हैं और दोस्तों आप लोग सोचेंगे कि बहुत सारा पैसा था तो वह ज़्यादा नहीं था बस पंद्रह सौ ही था एक महीने का जो है एक किलो दूध जाता है तो उतना ही मिलता है तो फिर मम्मी जो है रख देती है और फिर मैं चली जाती हूँ अंदर भोजन बनाने के लिए यानी रोकियाँ और इधर मम्मी और दीदी जो है लग जाती है बाजरा को बालने के लिए जो मम्मी सुबह के समय काटी थी और साथ में सब्जियाँ भी लेकर आई थी तो अमृता प्रीति जो है एक एकाक बार खेत चली जाती हैं तो उधर से ही बाजरा लेकर आ जाती हैं सुबह के समय तो वही बाजरा जो है मम्मी धरा रही हैं और दीदी जो ए, है इधर बाल रहे हैं और पापा भी दूध दे आए हैं तो थके हुए हैं तो अभी बैठ कर रेस्ट कर रहे हैं और मैं भी जो है रोटियाँ बना रही हूँ समय पास जो है बाजरा वाला आ जाता है और मैं भी खाना बना लेती हूँ तो फिर दीदी लग जाती हूँ दूसरे तो कामों में यानी पिस्टर उस्टर फोल्ड करने में आज अस्टमृिता नहीं किए क्योंकि उसे बहुत लेट हो रहा था थोड़ा सा लेट हो गया उसे उठने में सुबह सुबह उठती है तो वह अपने कामों में लग जाती है यानी गैया को चारा पानी डालने में और फिर जो है खेत गोबर लेकर जाना रहता है तो इसलिए आज उसे लेट हो गया है तो ये सब काम नहीं कर पाई तो दीदी लग जाती है इन सब कामों में और मैं भी आ गई थी भोजन बनाकर फिर मैं भी थोड़ा बहुत रेस्ट करती हूँ क्योंकि गर्मी से बिक गई थी आप लोगों को पता ही है कि चूल्हे पे हमारा खाना बनता है तो चूल्हे के पास कितना ज़्यादा गर्मी होता है और उसके बाद दीदी यहाँ पर जो है ये चाय के बर्तन थे कुछ और भी जूठे बर्तन थे तो वही जो है धोल रही हैं तो मैंने सोचा चलिए आप लोग को भी दिखा देते हैं यहाँ पे देखिए दीदी लग जाती है झाड़ू देने में बर्तन तो ढुल चुकी हैं और अमृता सुबह के टाइम झाड़ू लगाई थी फिर खाना वाना बना था थोड़े बहुत जो है गंदे हो गए थे घर तो इसलिए दोबारा से दीदी झाड़ू लगा देती हैं जब झाड़ू लग जाएगा तो उसके बाद नहाएंगे क्योंकि ये भी व्रत है और हम भी व्रत है तो अभी हम और दीदी नहीं नहाए हुए हैं हमने सोचा घर का जो छोटा मोटा काम है उसे कर लेंगे और उसके बाद नहाएंगे फिर आराम से जो है पूजा करेंगे सही रहेगा बाद में रेस्ट भी कर सकते हैं वरना ये सारे काम ऐसे ही बिखरे रहेंगे तो अच्छा भी नहीं तो रहेगा अचानक से कोई आ भी सकता है घर पे आप लोग को पता ही है जिस दिन घर द्वारा साफ नहीं रहता उस दिन कोई ना कोई आ जाता है तो इसलिए हम लोग सोचते हैं कि हमेशा जो है साफ ही रहेगा तो सही रहेगा फिर कुछ समय बाद दीदी भी नहा चुकी हैं और आ जाती हैं यहाँ पे पूजा करने के लिए आप लोग देख सकते हैं दिन नहा लेती हैं तो उसके बाद मैं भी नहा लेती हूँ और फिर ना कराते तो यहाँ पे दीदी पूजा कर रही थी मैंने सोचा चलिए थोड़ा बहुत आप लोग को दिखा देते हैं और उसके बाद दोस्तों हम लोग कहीं जाने वाले हैं तो आप लोग वीडियो में बने रहेंगे तभी आप लोग को पता चलेगा कि आज हम लोग कहाँ जाने वाले हैं पहली बार तो गए थे थक गए थे बहुत दूर गए थे पूजा करने के लिए इस बार तय किया है कि, कि ज्यादा दूर नहीं जाएंगे पास में ही जाएंगे तो देखते हैं कि हम लोग कहाँ जाते हैं उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं भी नहा चुकी हूँ पहले से आप लोग को बता रही हूँ बालूम खंगी भी कर चुके हैं तो उसके साथ दीदी पूजा कर रही हैं दीदी पूजा कर लेंगे तो फिर हम भी पूजा करेंगे और फिर जो है हम और दीदी कहीं जाने वाले हैं आज तो अमृता प्रीति नहीं है वरना वह सब भी साथ में जाते हैं आप लोग को पता ही जब भी हम लोग कहीं जाते हैं तो चारों लोग एक ही साथ जाते हैं लेकिन वह सब स्कूल गई थी तो बोल रही थी आप लोग चली जाइएगा नेक्स्ट बार हम लोग जाएंगे तो इसलिए इस बार हम और दीदी ही जाते हैं फिर मैं भी घर पे पूजा कर लेती हूँ और उसके बाद हम और दीदी बाहर आ जाते तो अब हम लोग चल लेते हैं दूसरे मंजिल की ओर यानी जहाँ पे हमें पूजा करना है तो देखिए हम लोग जो है आ चुके हैं आधे दूर और आधे दूर और हमें चलना है तो दीदी आगे आगे जा रही है पीछे से मैं जा रही हूँ तो दोस्तों हम लोग जो है कहीं और नहीं जा रहे हैं ज़्यादा दूर अपने गांव के ही मंदिर पे जा रहे हैं ये हमारे घर से पास में ही रहता है तो इसलिए हमने सोचा चलिए आराम से ही चलते हैं कुछ समय तय करने के बाद हमारा मंजिल आ जाता है तो दोस्तों आप लोग भी देख सकते हैं दीदी जो है आगे आगे जा रही हैं और मैं जो है पीछे से ही जा रही हूँ और पीछे से रिकॉर्ड भी करते हुए जा रही हूँ दोनों काम एक इसे देखिए हम लोग जो है अपने मंदिर पे आ चुके हैं और ये हमारे गाँव का ही मंदिर है राधे श्याम का आप लोग देख सकते हैं जो लोग पुराने होंगे उन्हें पता होगा कुछ लोग नए होंगे तो उन्हें ज्यादा पता नहीं है तो वो लोग भी हमारे वीडियो में बने रहेंगे तो उन्हें भी पता चल जाएगा तो इस बार सावन का दूसरा सोमवार है तो हम और दीदी जो है यहीं पर आए हुए हैं पूजा करने के लिए और देखिए अब कोई नहीं दिख रहा है क्योंकि सारे लोग जो है सुबह सुबह ही पूजा उजा करके चले गए हैं और हम दीदी जो है लेट में आए हुए हैं घर पर कुछ काम था और आप लोग जान ही रहे हैं प्रीति रीता भी नहीं है सब स्कूल चले गए हैं तो इसलिए और भी लेट हो गया सारे काम करते करते और नहाते धोते धो तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं नहा धोकर पूजा करने के लिए और वहाँ पर देखिए दीदी भी आ रही हैं जल लेकर अब तो ये जो है चढ़ाने के लिए जा रहे हैं चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ तो दोस्तों देखिए ये हमारा जो है छोटा वाला मंदिर है तो यहाँ पे शिव जी का पूजा होता है तो दीदी आ गए हैं जल लेकर और उसमें जो है फूल ऊल रखती हैं और कुछ मीठा रखती हैं और साथ में चावल ओवल रखती हैं और फिर जो है जल चढ़ाना शुरू करती हैं दीदी पूजा कर लेंगी उसके बाद हम पूजा करेंगे अभी तो जो है जल चढ़ाए हैं फिर अगरबत्ती सुन हैं और उसे घुमाते हैं तिलक लगाते हैं ऐसे ही करके दीदी पूजा करती हैं और मैं भी देख रही हूँ कि कैसे कैसे दीदी कर रहे हैं वैसे वैसे हम भी करेंगे क्योंकि मैं भूल जाती हूँ बीच बीच में कि कैसे क्या करना है बस मुझे इतना याद रहता है कि पहले जो है जल चढ़ाया जाता है और उसके बाद अगरबत्ती सुनगाया जाता है बीच में मैं भूल जाती हूँ तो इसलिए मैं दीदी का ध्यान से देख भी रही हूँ और साथ में रिकॉर्ड भी कर रही हूँ जिससे हमारा दोनों काम भी हो जाएगा आप लोग को पता ही है कि हमारे लिए तो ये काम रहता नहीं है काम के साथ साथ हमारा जो है ये काम भी बहुत ही ज्यादा जरूरी रहता है यानी रिकॉर्ड करना वीडियो बनाना तो इसलिए हम लोग जो है बारी बारी से अपना सारा काम करते हैं तो दीदी जो है शिव जी का पूजा कर चुके हैं और दूसरी साइड चली जाती है हनुमान जी का पूजा करने के लिए और फिर ऊपर साइड भी मूर्तियाँ लगी रहती है यानी फोटो लगे रहते हैं तो वहाँ पे भी पूजा वूजा करती हैं और आशीर्वाद लेती हैं अब मैं आ जाती हूँ पूजा करने के लिए और आज तो मंदिर जो है खाली खाली सुबह के समय जो है पूरा भरा हुआ था क्योंकि गांव के सारे लोग जो है यहीं पे आते हैं पूजा करने के लिए कुछ लोग बाहर चले जाते हैं जैसे हमने भी पहली बार जो है कहीं चले गए थे बहुत दूर जहाँ पे मेला वाला लगा रहता है तो वैसे ही गाँव के भी कुछ लोग जो है बाहर चले जाते हैं और कुछ लोग जो है जा नहीं पाते हैं तो गाँव के ही मंदिर में आते हैं लेकिन हम लोग जो है घर से थोड़ी लेट आए हैं जिसकी वजह से मंदिर जो है पूरा खाली था और हम और दीदी जो है आराम से पूजा की है भगवान जी का आशीर्वाद लिए तो मैं यहाँ पे तिलक लगा रही थी दीदी कह रही थी थोड़ा सा इधर देख लो एक फोटो भी हो जाए क्योंकि आई हो तो फोटो नहीं खिंचेगा तो दीदी जो है एक फ़ोटो ले लेती हूँ और मैं शिव जी का पूजा कर चुकी हूँ और दूसरी साइड आ जाती हूँ हनुमान जी का पूजा करने के लिए तो यहाँ पे भी पूजा करती हूँ और भगवान से प्रे की हूँ कि आप सभी लोग के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ हैं और आपके परिवार को किसी की नज़र न लगे और आपका परिवार जो है हमेशा खुशहाल रहे और और पूजा दी मैं आपके लिए भी भगवान से प्रे की हूँ कि आपकी भी मनोकामनाएं है जो है भगवान जल्दी से पूरा करें और एक क्यूट सबे भी आपको भी दे दे जिससे आपके घर में ढेर सारी खुशियाँ आ जाए तो दोस्तों हमने जो है छोटे वाले मंदिर में पूजा कर ली जहाँ पे सीलिंग था उसके बाद आ जाते हैं बड़े वाले मंदिर में यानी राधेश्याम का मंदिर है तो दीदी बोल रही थी पहले पीछे से दिखा दो सबको उसके बाद जो है अंदर का क्लिप दिखाना तो दोस्तों आप लोगों ने सामने से देख लिया और फिर मैं आ जाती हूँ अंदर और यहाँ पर दीदी जो है पूजा कर रही हैं आप लोग भी देख सकते हैं और ये हमारे यहाँ का जो है श्याम का मंदिर है दीदी जो है यहाँ पे पूजा कर चुकी हैं और फिर आ जाती हैं बाहर के साइड तो यहाँ पे भी देखिए पूजा वूजा कर लेती हैं और ये हमारे यहाँ मतलब जो जिनका मंदिर था वही बाबा मरे थे तो उन्हीं का ये बना हुआ है तो फिर दीदी जो है अपना पैर और छू लेती हूँ वहाँ से और फिर मैं आ जाती हूँ अंदर पूजा करने के लिए आप लोग भी देख सकते हैं और यहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये मंदिर जो है बहुत ही प्यारा लगता है अंदर का अंदर तो जल्दी कोई नहीं आ रहा है जब पूजा पाठ रहता है तभी जो है सारे लोग यहाँ पे आते हैं जैसे मैं आप लोग जानते ही हैं कि आज सावन का दूसरा सोमवार है तो इसलिए आज ये मंदिर खुला हुआ है वरना सुबह जो है पूजा वूजा हो जाता है फिर जो है बंद हो जाता है लेकिन आज के दिन जो है नहीं बंद होगा और जब भी पूजा वूजा रहता है तो उस दिन ये मंदिर जो है खुला रहता है तो हम और दीदी पूजा कर लिए थे और फिर जो है घर के लिए हो जाते रवाना क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था यहाँ पे आए हुई एक घंटे तो हमें लग गया पूजा करने में और फिर जो है मैं वापस जाती हूँ तभी अपना चप्पल भी भूल जाती हूँ यानी स्लीपर फिर दोबारा से पहन कर आती हूँ तो दीदी कह रही थी मुझे चलो आ गई है कि पीछे से मैं आती हूँ मैं आगे आगे जा रही हूँ मुझे नहीं पता है कि पीछे से दीदी जो है वीडियो बना रही हैं आप लोग भी देख सकते हैं और गांव का नज़ारा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था हरा हरा पूरा तो दोस्तों घर पे आ गए पूजा वूजा करके और जो लोग व्रत हैं तो वह लोग भी आइए खा लीजिए क्योंकि ये हमारे लिए नहीं है आप लोग के लिए भी है क्योंकि कुछ लोग व्रत होंगे तो इसलिए मैं आप लोग को पहले ही दे रही हूँ और फिर हम और दीदी लग जाते खाने में क्योंकि भूख जो है बहुत जोरों से लगी हुई है और इस टाइम जो है साढ़े ग्यारह बज रहे हैं और बारह और बजे तक अमृता प्रीति भी स्कूल से आ गई हैं आप लोग देख सकते हैं फिर ये भी सब जो है अपना ड्रेस व्रेस चेंज करते हैं और फिर खाने लग जाते हैं और कुछ समय बाद हमारे घर आ जाते हैं साड़ी वाले भैया जो साड़ी बेच रहे हैं और सावन में आप लोग जानते हैं कि हरी हरी साड़ियाँ सारे लोग पहन रहे हैं तो यहाँ पर दीदी लग जाती हैं हरी हरी साड़ियाँ देखने के लिए और आप लोग को पता ही है कि आज सुबह जो मम्मी पैसा पाए यानी पापा दिए थे दूध का तो वही साड़ी वाले भैया आ गए थे तो मम्मी कह रही थी देख लेते हैं क्योंकि त्यौहार आ रहा है तो त्यौहार में नई साड़ियाँ चाहिए मम्मी दीदी उदी देख रही थी और फिर मुझे भी दीदी बुला देती है मैं सोई थी मुझे नहीं पता था कि साड़ी बेचने वाले भैया आए हैं तो कह रही थी दीदी थोड़ा बहुत दिखा दो तो दोस्तों आप लोग भी देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये साड़ियाँ एकदम हरी हरी और बहुत ही अच्छी डिजाइने भी इसकी थी लेकिन जो है भैया काफ़ी महंगे दे रहे थे इसलिए जो है मम्मी कह रही थी नहीं बहुत ही ज़्यादा महंगा है और आप लोग को पता ही है कि ज़्यादा पैसे नहीं मिले थे तो फिर कुछ समय बाद जो है ये साड़ियाँ दिखती है ये साड़ियाँ सबको बहुत ही अच्छी लगती है मुझे भी अच्छी लगती है और ये साड़ी जो है बता रहे थे सात सौ आठ सौ की लेकिन बहुत कहने पे जो है पाँच सौ में दिए तो मम्मी कह रही थी चलो ले लो अच्छा है तो फिर वही दीदी लेती हैं और दोस्तों आप लोग को ये साड़ी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर जो लोग हमारे नए होते सब्सक्राइब करना ना बोले उसके बाद दोस्तों ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक के राधे राधे आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा और मैं उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा थैंक यू दोस्तों और हमारा सपोर्ट कीजिए